मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की कांग्रेस की मांग पर पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा है कि उनकी सरकार ईवीएम से ही बनी है। जहां कांग्रेस जीतती है वहां ईवीएम अच्छी और हारती है तो ईवीएम खराब हो जाती है। वहीं नवजात शिशु की मृत्यु दर आंकड़ों को लेकर के सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार शिशु, किसान, मजदूर और महिला की नहीं कॉरपोरेट कल्चर की सरकार है। साथ ही कांग्रेस सरकार द्वारा 1,000 करोड़ के कर्ज लेने पर भी उन्होंने निशाना साधा। उनकी सरकार जो बनी है ईवीएम से ही बनी है, लेकिन दरअसल क्या है कि जब जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ ईवीएम अच्छी हो जाती है, जब कांग्रेस हारती है तो ईवीएम खराब हो जाती है। तो उन्हें बैलगाड़ी युग में जाना चाहती हैं, जाए पर चुनाव कराए तो सही। ये बात अच्छी तरह से कमलनाथ जी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस चाहे नगर पालिका करे चाहे नगर निगम करे, सूपा साफ ही होने वाला है। शिशु की चिंता, किसान की चिंता, मजदूर की चिंता, महिला की चिंता करने वाली ये सरकार है ही नहीं। कारपोरेट कल्चर की सरकार है। उद्योगपति मुख्यमंत्री है, राजे रजवाड़े अधिकांश मंत्री हैं। गांव गरीब किसान की, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान की ये चिंता करेंगे ही क्यों? महिलाओं के सम्मान की चिंता करेंगे ही? एसएनसीयू देखेगा कौन? एसएनसीयू में वेंटिलेटर ठीक है, ऑक्सीजन है कि नहीं, ये देखने की सरकार को फुर्सत नहीं है। सरकार को छपाक देखने में बिजी है। छपाक कैसे टैक्स फ्री हो जाए, टुकड़े टुकड़े को समर्थन हम कैसे दे दें टुकड़े टुकड़े गैंग को, इसमें सरकार की व्यस्तता है। निश्चित रूप से 1,000 करोड़ का कर्जा मांग लेने की सरकार तैयारी करेगी, क्योंकि मैंने अखबार में पढ़ा कि 700 करोड़ रुपए तो आईफा अवार्ड पे खर्च करने वाले हैं। अभी आईटी का कार्यक्रम हीरो हीरोइन का इंदौर में कर दिया, उस पर करोड़ों में खर्च कर दिया। 351 करोड़ रुपया रिलायंस के माफ हो रहे हैं। 1,000 करोड़, 100 करोड़ कोको कोला के माफ हो रहे हैं। ट्रांसफर और पोस्टिंग के आवागमन पे 800 करोड़ खर्च कर दिए। हवाई जहाज खरीद रहे हैं, उसके लिए पैसा चाहिए तो कर्जा तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन गांव की बात आएगी, किसान की बात आएगी, जब भी गरीब की बात आएगी, कन्याओं को 51,000 रुपये देने की बात आएगी, तो खजाना खाली हो जाएगा।